The first question, I hope I'm audible to everyone, right? Okay, no response is coming from Arushi and Ashish, but still I think you're listening to me. So let us start the discussion. The first question which was given, both of you didn't give the test, but we have to discuss those questions. I will give you some time to try those questions, then we will discuss it. Only Devansh gave the test, and Devansh has not joined. So the first question which was given was the number of solutions of the equation 5 sec theta minus 13 is equal to 12 tan theta. तो ये बताना है कि इस equation के 0.2 pi में कितने solutions होंगे, right? क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे ये निकाल लो तो भी ठीक है, लेकिन आंसर जो चाहिए वो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0.25। So basically, what we do here, कई सारे तरीके हैं जिससे हम अप्रोच करेंगे, लेकिन पर्पस हर तरीके का सेम है, और वो पर्पस ये है कि sec थीटा और tan थीटा दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों को या तो दोनों को sec थीटा बना दो या तो दोनों को tan थीटा बना दो। तो हम जब ऐसा करना चाहते हैं तो मान लो कि हमें ये पता है ऑलरेडी कि sec स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus tan square theta होता है। अब क्या है कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, या तो दोनों को sec theta बना दो या दोनों को tan, मतलब किसी एक में रखो। अब लेकिन ये स्क्वायर है तो हम एक काम करते हैं, जब भी स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर स्क्वायर जब ओपन होगा तो 25 sec square theta माइनस 100 और ये हो जाएगा 2ab, तो 2ab में हो जाएगा 130 sec थीटा प्लस 169 इज इक्वल टू 144 tan स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, लेकिन देखो स्क्वायरिंग करते टाइम दिमाग में ये जरूर रखना कि जब फाइनल आंसर आएगा तो उसके हर आंसर को हम चेक करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में डालेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करने से एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन भी आते हैं, तो वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारे ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, तो वो भी करना होगा एंड में, वो मैं बता दूंगा। तो अब ये हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इधर तो जो हमारे पास स्क्वायर ओपन करके आया वो लिख लिया हमने, और जो राइट हैंड साइड है वहां पर टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर कर देते हैं 144 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 144 हो जाएगा। आई होप दिस स्टेप इज आल्सो क्लियर टू यू। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो एक तरफ ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 119 सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 130 सेक थीटा, लास्ट में हो जाएगा माइनस का 313 बनता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक आ रही है। अब ये देख लेते हैं क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया सकते हैं या नहीं।
लग तो नहीं रहा है कि सिंपलीफाई, हाँ लग हो सकता है, 7 से भी निकट रहा, 11 से भी नहीं हो रहा तीनों, ख्याल से शायद नहीं हो सकेगा और किसी से, पैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो सेक थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, वो हमें मिलेगी -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो गया -b। अब क्या है कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, इसीलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन हाँ थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वैल्यूज कैसी आ रही है। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, और ये हो गया 2 × 2 × 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये देखो कि क्या ये वैल्यूज जो आ रही हैं वो किस तरह की वैल्यूज है। तो अगर तुम थोड़ा सा इसको सोचोगे कि किस तरह की वैल्यूज है, तो क्या होगा कि हमें पता है कि सेक थीटा के बारे में एक रूल होता है कि वो 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा भी होता है, ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज वो नहीं लेता है। तो इसमें ये जो दो वैल्यूज क्रिएट हो रही है, जैसे हम पहले प्लस वाला अगर ले लें, तो क्या होगा कि ये 130 के स्क्वायर में हमने कुछ ऐड किया, राइट, तो उसका जब अंडर रूट लेंगे तो 130 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो 130 से जब बड़ा आएगा तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है क्या वो 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मान लो ये जो 130 का स्क्वायर है, इसमें तुमने ये चीज जो ऐड की है और फिर स्क्वायर रूट लिया है, तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे 130 को, तो इस 130 का इफेक्ट काफी हद तक कैंसिल हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी। तो इट सीम्स कि इसकी वैल्यू जो है 4 का तो 2 हो जाएगा, मुझे लगता है कि 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन वन आ रही है, तो प्लस वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो हम प्लस वाली वैल्यू ले सकते हैं। उसी तरीके से जब तुम माइनस साइन लेके कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा क्लियरली दिख रहा है कि दोनों चीज ऐड हो जाएगी और ये -1 से भी छोटी निगेटिव वैल्यू होगी, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब एक चीज ये भी देखनी है कि जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था स्क्वायर करने से पहले, वो कुछ इस तरह का था, 5 sec थीटा -13 इज इक्वल टू 12 tan थीटा। तो क्या ये इस ओरिजिनल इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर देगा दोनों वैल्यू, तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 sec थीटा -13 इज इक्वल टू 12 tan थीटा, राइट। लग रहा था कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती तो सोचना थोड़ा आसान होता, अब इतनी अजीब तरह की वैल्यू आई है ना, सोचने में लग रहा है कि पता नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगर हम इसमें देखते हैं कि -1 से कोई छोटी वैल्यू अगर हम लेते हैं सेक की, तो ये तो निगेटिव होगा, और जो टैन होगा, अगर सेक निगेटिव है तो टैन निगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं इनफैक्ट, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग अपना अप्रोच यहाँ पर चेंज कर दें, क्योंकि तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, सॉल्व तो हो जा रहा है लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो एक काम ये करते हैं, करना तो वैसे ही अप्रोच, लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, 5 sec थीटा -13 इज इक्वल टू 12 थीटा, दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, इंस्टेड में क्या कर रहा हूँ,
sec थीटा इज इक्वल टू 12 tan थीटा + 13 बना दे रहा हूँ उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -13 को राइट हैंड साइड में ले ही जा सकते हैं, तो ले जा रहे हैं। और अब मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये भी अप्रोच कोई दिक्कत नहीं, शायद इससे नंबर्स थोड़ा ऐसे आए जो कैलकुलेट करने में आसान हो। तो ये हो जाएगा 25 sec² थीटा, इधर हो जाएगा 144 tan² थीटा, और ये हो जाएगा 169। और जब 2AB लगाएंगे तो 24 × 13 tan थीटा होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं sec² थीटा को tan² थीटा + 1। ठीक है, पिछले वाले में हमने क्या किया था कि tan को sec के रूप में लिखा था, यहाँ पर हम tan को sec के रूप में नहीं लिख रहे हैं, sec को tan के रूप में लिख रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा इससे, 25 tan² थीटा + 25 = 144 tan² थीटा + 169, और 24 × 13 को जब हम करेंगे 15, तो ये हो जाएगा 312। ठीक है, तो ये हो गया 312 tan थीटा। अब अगर हम tan² थीटा को एक तरफ से जाते हैं तो 119 tan² थीटा बचेगा प्लस 312 tan थीटा बचेगा और प्लस 144 = 0 ये आ रहा है। और यहाँ पर की जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर उस पर थोड़ा हम सोचें तो ये भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते। तो मतलब एट लास्ट हमें जो है वो करना ही पड़ेगा। अच्छा, देवांश ने भी ज्वाइन कर लिया। देवांश, हम लोग उसी दिन का टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तुमने तो दिया था, तो तुम्हारा टेस्ट पेपर मेरे पास आ गया है। मैं एक एक क्वेश्चन चेक कर रहा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर तुम्हारा जो टेस्ट पेपर आया है उसको मैं चेक करके तुम्हारे मार्क्स बता दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिला इसलिए क्योंकि वैल्यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है और हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको एक एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि वैसे भी ट्राई कर लेते हैं, अगर वैसे भी नहीं हुआ तो फिर कैलकुलेशन ही एक रास्ता बचेगा। अभी तक मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाऊं, क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं और सॉल्वेबल नहीं है इसलिए। तो ये था हमारे पास। अब मेरे दिमाग में एक चीज क्या आ रही है कि मैं sec थीटा को लिख देता हूँ 1/cos थीटा और tan थीटा को लिख देता हूँ sin θ/cos θ। ठीक है, तो ये बस मतलब पिछला तरीका गलत नहीं है, लेकिन बस ये था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी आसान तरीके से। तो 5 − 13 cos θ = 12 sin θ। अब इसको मैं एक तरफ ले जाता हूँ तो 13 cos θ + 12 sin θ = 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अगर हम इसको करना चाह रहे हैं, राइट, तो बेसिकली हमारे पास एक रूल होता था इस तरह की इक्वेशन के लिए, इफ यू रिमेम्बर, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप का जो होता है ना, उसमें हम क्या करते थे कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा 169 और बी का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 313 का अंडर रूट, इससे हम डिवाइड करेंगे। हाँ, ये मेथड में हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में ये डरावना लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें थ्योरी याद होगी तो तुम समझ सकते हो कि बहुत आसानी सब होगा। तो ये हम ऐसा रूट ओवर 313 से दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं रूट ओवर 313 से, तो ये जो है एक कोई वैल्यू है, ये भी कोई वैल्यू है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको मान सकते हैं कि दिस इज कॉस अल्फा, इसको मान सकते हैं दिस इज साइन अल्फा। याद है ना, ऐसा करते थे हम लोग जब रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो एक कॉस अल्फा बन जाता है, एक साइन अल्फा बन जाता है फॉर सम फिक्स अल्फा। ठीक है,
तो अब जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई रूट ओवर 313 हो जाएगा। और ये अल्फा एक फिक्स एंगल है, ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमें कोई वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम अल्फा को फिक्स वैल्यू मानते हैं, सच दैट कॉस अल्फा इज 13 बाई रूट 313 एंड साइन अल्फा इज 12 बाई रूट 313। अब इसके बाद तुम देख सकते हो कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, अब इसके 0 और 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। 0 से 2 पाई का सिंपल सा मतलब है कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इज 5 बाई 3 रूट 13 इज क्वाइट अ एक्सेप्टेबल वैल्यू बिकॉज दिस वैल्यू इज लेस देन 1, और कॉस जो होता है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में होता है, तो इसीलिए ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज एक्सेप्टेबल, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो मतलब थीटा माइनस अल्फा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड और थर्ड में तो निगेटिव होता है कॉस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी तुम्हें कोई एक वैल्यू मिल जाएगी और फोर्थ में भी मिल जाएगी, तो अगर तुम पूरे एक रोटेशन की बात करो तो उस पूरे एक रोटेशन में थीटा माइनस अल्फा की 2 वैल्यूज मिलेगी, जिससे कि थीटा की भी 2 वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि अल्फा तो फिक्स ही है, तो 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 0 और 2 पाई के बीच में इसके 2 वैल्यूज हैं। इज दिस क्लियर नाउ? अब मैं तुम्हारा देवांश चेक कर लेता हूँ कि तुमने जो किया था उसमें इस क्वेश्चन में तुमने क्या किया, बाकी सबको तो क्लियर है ना कि कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को फाइनली? यस, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। हाँ तुमने भी वैसे ही किया था देवांश, गुड। थोड़ा सा तुम्हारे जो स्टेप्स हैं ना बाद में जाके थोड़ा गड़बड़ हो गया, उतने की जरूरत थी नहीं जो तुमने किया है। ये तुमने जो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया वो तो ठीक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हें एक्चुअली थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, तुम्हें ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं निकालने हैं, तुम इसके सॉल्यूशन निकालने में चले गए। जब क्वेश्चन में ये पूछ ही नहीं रहा है कि सॉल्यूशन निकालना है, क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशन है, तो हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है। हम सीधा सीधी यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा की 2 वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी वो उस पर नहीं जाना है। इज दिस क्लियर? यस तो इसमें मैं 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स तुम्हें दे दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसको एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो तो दिस इज बेसिकली मतलब फिर तो तुम्हें बस ये बताना था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं। तो ये ओके okay. पहले क्वेश्चन का तुम्हारा मार्क्स हो गया, बाकी तुम लोगों ने तो दिया नहीं था, आरुषि तुमने भी नहीं दिया था टेस्ट और आशीष तुमने भी नहीं दिया था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन वाज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टैन पाई बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई टू कॉस थीटा इज, तो इसका तुम्हें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इधर तो जो टैन है उसको रहने दो टैन में, लेकिन जो राइट हैंड साइड में कॉट है उसको हम लिख सकते हैं टैन ऑफ 90 डिग्री माइनस पाई बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, अलाइड एंगल फॉर्मूला से तो हमें पता ही है कि कॉट ऑफ समथिंग इज टैन ऑफ 90 माइनस दैट थिंग, टैन 90 माइनस अल्फा इज कॉट अल्फा। ये करने के बाद अब दोनों साइड टैन है, ये भी टैन है ये भी टैन है, तो हम लिख सकते हैं कि पाई बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस जो भी एंगल है पाई बाई टू माइनस
फाइव बाई टू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यही होता है टैन का जनरल सॉल्यूशन, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा होता है। अब क्या करेंगे कि हम पाई को तो सीधा सीधी हर जगह से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और टू को भी एलसीएम ले लेते हैं, तो फाइनली आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, ये हमारा आ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहां पर भी हमें वही काम करना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ऑल्सो वन का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा वन के साथ मल्टीप्लाइड है, कॉस थीटा भी वन के साथ मल्टीप्लाइड है, इसी के साथ नहीं मतलब वन के साथ है, तो रूट टू से हम कर दे रहे हैं डिवाइड, वन बाई रूट टू साइन थीटा प्लस वन बाई रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई रूट टू, ऐसा कर दे रहे हैं। इज दिस क्लियर? यस, आई होप क्लियर हो गया यहां तक। नहीं क्लियर है तो पूछ लो, फिर से मैं बता दूंगा। क्लियर है सर। अच्छा, अब यहां पर हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं निकालने, हमें यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है, तो यहां पर तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या कर लो ना, ये वन बाई रूट टू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें पता है, इसको हम कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं और साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं और फिर फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, इनफैक्ट हमें अल्फा भी पता है विच इज 45 डिग्री, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई बाई फोर, क्योंकि यहाँ पर वन बाई रूट टू होता है, साइन भी यहाँ पर वन बाई रूट टू होता है, तो जब हमें ऑलरेडी पता है तो हम वो वैल्यू ही डाल देते हैं, अल्फा भी डाल सकते थे लेकिन अब हमें पता ही है कि वो पाई बाई फोर है इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई रूट टू, ये हो गया। अब पहला काम हमें यहाँ पे ये करना है कि जो राइट साइड में टू एन प्लस वन बाई रूट टू में एन है वो तो कोई भी इंटीजर हो सकता है जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से, लेकिन एक चीज का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉस है, तो कॉस की जो वैल्यू होती है वो वन और माइनस वन के बीच में होती है, इट लाइज बिटवीन वन एंड माइनस वन, कॉस की जो वैल्यू होती है, तो इसका मतलब है 2n प्लस 1 बाई रूट टू भी क्या होना चाहिए, 1 और माइनस 1 के बीच में होना चाहिए, तो हम n को क्या क्या ले सकते हैं, n को 0 लेंगे तो 2n प्लस 1 बाई रूट टू विल बिकम 1 बाई रूट टू, ये तो ठीक है, n को 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 3 बाई रूट टू विच यू कैन नॉट टेक बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 1, और आगे फिर और जाओगे तो और एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और बड़ी वैल्यू आएगी, माइनस की तरफ जाते हो माइनस 1 अगर लेते हो तो माइनस 1 बाई रूट टू आएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल, माइनस टू लेते हो तो अगेन ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई रूट टू जो कि तुम नहीं ले सकते और उसके बाद की भी वैल्यू नहीं ले सकते। तो इतनी बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो वैल्यू ली जा सकती है एन की वो तो या तो जीरो ली जा सकती है या माइनस वन ली जा सकती है, तो हम जब वो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये या तो वन बाई रूट टू आ रहा है या फिर माइनस वन बाई रूट टू आ रहा है, ये हमने राइट में देख लिया। अब इसको और सॉल्व करना है क्योंकि अभी भी कॉस लगा हुआ है, तो वन बाई रूट टू का क्या मतलब होता है, वन बाई रूट टू का मतलब होता है कॉस ऑफ पाई बाई फोर, और माइनस वन बाई रूट टू का मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर, पाई बाई फोर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, थ्री पाई बाई फोर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब फिर से हम जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे कॉस का, तो थीटा माइनस पाई बाई फोर विल बिकम टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर भी हो सकता है, या फिर जो दूसरा वाला है टू एन पाई प्लस माइनस थ्री पाई बाई फोर भी। क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू टिल हियर। ठीक है, मैं फास्ट अगर जा रहा हूं तो मुझे बता देना। तो हमारा आंसर अब आ गया है, उसको कैसे लिखना है बस यही है। तो थीटा इज इक्वल टू ये माइनस पाई बाई फोर को अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो जैसे यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई फोर है तो प्लस पाई बाई फोर जब होगा तो ये बन जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और अगर माइनस पाई बाई फोर होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2n पाई हो जाएगा। नीचे में अगर हम देखते हैं प्लस 3 पाई बाई फोर और उसमें प्लस पाई बाई फोर करते हैं प्लस वाले में तो वो हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा, और माइनस लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये चार तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं जिसको हम फिर से लिख सकते हैं
टू एन पाई, ये वाला प्लस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, तो टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, और ये जो दोनों है ये और ये, इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो इनको तो एक साथ नहीं लिख सकते, टू एन पाई अलग है और टू एन प्लस वन पाई ये अलग है, तो तुम इसको कह सकते हो कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इज इट ओके? यस, इसको एक बार ऊपर से नीचे तक तुम लोग नोट कर लो, मैं इसको स्लाइड करता रहूंगा धीरे धीरे, और मैं इन द मीन वाइल देवांश का भी चेक कर लेता हूँ कि उसने क्या किया था इस क्वेश्चन में। चलो पहला स्टेप तो तुमने सही किया था, लेकिन पहले स्टेप से तुमने जो इसका सॉल्यूशन लिया है वो जनरल सॉल्यूशन पहली बार में नहीं लिया था, तुमने जो है इसलिए तुम्हारी वैल्यू जो है ना वो बस एक ये वाली वैल्यू आ रही है तुम्हारी, तो वन बाई रूट टू के कोरस्पॉन्डिंग है, तो वन बाई रूट टू के कोरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है वो तो ठीक आ रही है, टू एन पाई आ रही है और एक टू एन पाई प्लस पाई बाई टू आ रही है, सही है? तो समझ गया ना देवांश, तुमने जो इसका सॉल्यूशन किया है वो है तो ठीक, लेकिन कमी क्या रह गई कि तुमने यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तुमने क्या किया ना कि जब हमने दोनों साइड से टैन हटाया लेफ्ट से और राइट से, तो तुमने इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा, तुमने क्या लिख दिया, तुमने लिख दिया पाई बाई टू साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ का जो है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तुमने ऐसे कर दिया, जिससे क्या हुआ कि तुम्हें जो एन पाई का इफेक्ट था और इसके कारण जो तुम्हारे पास दो एन एक्सेप्टेबल थे, एक जीरो भी था और एक माइनस वन भी था, लेकिन तुमने बस वन बाई रूट टू वाला लिया, उससे तुम्हारा एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आया लेकिन एक सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आ पाया। ओके सर, समझ में आ गया ना कहां पर तुमने एरर किया है? यस सर, इसको नोट कर लो, और स्टिल आई कैन गिव यू इन दिस क्वेश्चन 3.5 आउट ऑफ 5 एफर्ट तुमने ठीक लगाया था, लेकिन थोड़ा सा मिस कर दो, तो इसमें जनरल सॉल्यूशन जो लग रहा है वो एक बार नहीं लग रहा, दो बार लग रहा, एक बार जब लग रहा है जब तुम टैन को हटा रहे हो, फिर उससे तुम एन की वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हो कि एन क्या क्या लिया जा सकता है, उसके बाद फिर से कॉस को जब हटा रहे हो तब जनरल सॉल्यूशन लग रहा है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। आशीष और आदुषी का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, समझ ही में नहीं आता है कि वो लोग है भी कि नहीं है। Should we move on to third question? या बीच को लिख रहे हो? Yes, मैं से लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? Just a minute. ठीक।
डन सर। ओके लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तो मैं आरुषि और आशीष को ये सपोज करते हुए कि वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं थर्ड क्वेश्चन उनको देता हूँ, पहले वो ट्राई कर लें फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन सेज, इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2, इसका जनरल सॉल्यूशन। प्लीज ट्राई फॉर 5 मिनट्स। देवांश तुम भी फिर से ट्राई कर सकते हो चाहो तो। ओके अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ पहले। तो इसका जो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, तो एक तो ये सेक में है तो उसको हम कर लेते हैं चेंज 1 बाई कॉस। ठीक है, सेक में भी कैलकुलेशन होती है लेकिन थोड़ा सा हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं सेक में, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कॉस वगैरह भी चेंज करके सही हो जाता है। तो ये फाइनली एलसीएम हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, और राइट हैंड साइड में cos 4 थीटा और cos 2 थीटा जो है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये जो है cos c माइनस cos d विल बी 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड फिर वापस बैक ट्रैक कर लेते हैं और ये 2 को मल्टीप्लाइड रखते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, और 2 cos से cos b को cos of a plus b। अच्छा, एक मिनट, वहां पे cos c, हाँ ठीक है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो होता था
वो तो ये होता था ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। टू टाइम्स साइन सी प्लस टी बाई टू इंटू साइन टी माइनस सी बाई टू, ये होता था। कॉस में नहीं होता था, जब एडिशन होता था तो दोनों कॉस होता था, और जब सब्ट्रैक्शन होता था तो दोनों साइन होता था। ठीक है, ये क्लियर होना, मैं कंफ्यूजन तो नहीं है? ना सर। अब टू टू को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब इसके बाद वो लेकिन स्टिल जो है ना नहीं हो पाएगा, तो हमें वही करना होगा कि राइट हैंड साइड के साथ छेड़खानी करनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड के साथ नहीं करनी होगी। हम अगर लेफ्ट साइड के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करेंगे, कॉस टू थीटा माइनस कॉस फोर थीटा रहने देंगे, और राइट साइड में टू कॉस ए कॉस बी की जो आइडेंटिटी होती है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये कर लेते हैं। इससे अब क्या होगा कि दोनों साइड कॉस टू थीटा आ रहे हैं वो कैंसिल हो गए, और तुम कॉस सिक्स थीटा प्लस कॉस फोर थीटा एक साइड लिख के इक्वल टू जीरो कर सकते हो। अब यहां पर हम फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे कॉस सी प्लस कॉस टी की, तो टू कॉस सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस टी बाई टू, ये जीरो में। ठीक है, अब तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो बस यही था कि जो ये वाला स्टेप था ना, इसमें हमें ये देखना था कि हम लेफ्ट वाले में डिफरेंस वाला रूल लगाए या राइट वाले में प्रोडक्ट वाला लगाए। तो पहले हमने डिफरेंस वाला लगाया, लेकिन उससे लेफ्ट में दोनों एंगल अलग आ रहे थे, थीटा और थ्री थीटा, राइट में अलग आ रहे थे फोर थीटा और टू थीटा। लेकिन अगर हमने राइट वाले में लगाया प्रोडक्ट रूल तो कॉस टू थीटा जो दोनों साइड आया वो कैंसिल हो गया, इससे हमारे पास चार टर्म से टू टर्म आ गए। अब यहाँ पर कॉस फाइव थीटा भी जीरो हो सकता है या फिर कॉस थीटा भी जीरो हो सकता। तो अब उसका जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। कॉस फाइव थीटा जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, तो 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, मतलब उसका जो जनरल फॉर्मूला होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू होगा। ठीक है, और कॉस थीटा को जब जीरो लिखेंगे तो थीटा विल बी 2m पाई, यहाँ पे m यूज कर लेते हैं, वहां पर हमने n यूज किया है, प्लस माइनस पाई बाई टू, तो यहां से थीटा हो जाएगा 2n पाई बाई फाइव प्लस माइनस पाई बाई टेन। यहां पे तो कुछ है नहीं, तो वही का वही रहेगा। तो फाइनली जो थीटा हो गया हमारे पास, इनफैक्ट तुम क्या कर सकते हो, आंसर तो दो आ रहा है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड करके लिखना चाहो, ये दोनों ही को लिखना पड़ेगा, कंबाइन नहीं कर पाऊंगा मेरे ख्याल से, दोनों ही आंसर होना चाहिए। एक बार तुम इसे नोट कर लो, हमें देवांश का चेक कर देता हूँ। हाँ, तुमने भी एग्जैक्टली वैसे ही किया देवांश, खाली तुम्हारा थोड़ा सा गलती ये हो गया है कि तुमने 2n+1 पाई बाई टू ही कंसीडर किया, 2n-1 पाई बाई टू भी ले सकते थे, जनरल सॉल्यूशन में दोनों आता ना, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू करना था ना, तुमने माइनस वाला दोनों ही में नहीं लिया, पाई बाई टेन वाला भी ठीक है तुम्हारा, लेकिन प्लस वाला तुम ले लिया। समझ गया तुम्हारा कहां पे एरर है? रिवांश, यस सर। मतलब तुमने क्या कर दिया ना कि जो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों है, तुमने क्या किया, बस प्लस ले लिया, यहाँ पर भी तुमने प्लस ले लिया, तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा आया वो इस तरह जैसे आया, तो माइनस वाला हट गया, विच इज रॉन्ग, तो दोनों लेना होगा हमें, प्लस एज वेल एज माइनस। तो इसमें भी मैं तुम्हें 3.5 दे सकता हूँ आउट ऑफ 5, एक बार नोट कर लो। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ भाई, चाबी चाबी आपका भाई, आपको ताकत करने मिल जाएगा अंदर दोनों की तरफ। मैं गाड़ी ही बंदा जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा था, देवांश, और वो भी चला गया। आरुषि, अनाशीष, तुम लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। चलो फिर भी लेट अस नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद डिस्कस करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था कि इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, अल्फा बीटा आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, देन सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन जो नीचे लिख रहा हूं मैं, टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ओह सॉरी, ये देन ये है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स, क्लियर कर देता हूँ। दैट इज फाइन, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी, देन टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पता करना। तो एक्स जो है एक वेरिएबल है, और ये जो इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है अल्फा और एक आ रही है बीटा। जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना, तो क्वाड्रेटिक में भी दो रूट्स होते हैं, तो ये अभी क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, लेकिन इसके भी दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों डिफरेंट रूट्स हैं। तो तुम्हें ये बताना है कि इसके जो दो रूट्स अल्फा बीटा आएंगे, तो उस केस में टैन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अच्छा देवांश तो है, मुझे लगा देवांश चला गया। ठीक है, इसको एक बार सारे लोग ट्राई कर लो, उसके बाद में
लेट अस स्टार्ट। तो इसमें जो है तुम्हारे पास जो लाने को है उसी से एक हिंट भी मिल रहा है, वो हिंट तुम यहाँ पर यूज करोगे। कैसे करोगे? तो ये टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू से हमें क्या हिंट मिल रहा है कि लेट अस चेंज कॉस एंड साइन बोथ इन टर्म्स ऑफ टैन एक्स बाई टू। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स इज 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से साइन एक्स का भी हमारा फॉर्मूला होता है, 2 टैन एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये दो फॉर्मूले हम इसमें जब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस ए टैन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2b tan(x/2) इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम राइट साइड में c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिनोमिनेटर में था, ये आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो हमने कौन सा दो फॉर्मूला लगाया है, वी हैव अप्लाइड दीज टू फॉर्मूला जिसमें कॉस एक्स को भी टैन एक्स बाई टू के टर्म में लिख दिया गया और साइन एक्स को भी टैन एक्स बाई टू। अब यहाँ पर हम सबको एक साथ अगर करते हैं तो ए प्लस सी एक साथ हो जाएगा विथ टैन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2b tan(x/2) प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब यहां से इट इज अ क्वाड्रेटिक इन टैन टैन एक्स बाई टू, तो इसको सॉल्व करना नहीं है। अब हम देखते ये हैं जनरली यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स ये एरर करते हैं कि इसको सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या था, टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो हमें अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू नहीं निकालना है, हमें टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इफ यू नो दिस फॉर्मूला, दिस वॉज टैन ऑफ अल्फा बाई टू प्लस टैन ऑफ बीटा बाई टू अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा बाई टू इंटू टैन, जो नॉर्मल टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है वो लगा देंगे। हमें यही निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब टैन अल्फा बाई टू प्लस टैन बीटा बाई टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग। इट इज सिंपली सेइंग कि अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं एक्स की जगह अल्फा या बीटा, ऑब्वियसली टैन अल्फा बाई टू और टैन बीटा बाई टू इस क्वाड्रेटिक का दो रूट हो गया, ठीक है। एक हो गया टैन अल्फा बाई टू और एक हो गया टैन बीटा बाई टू, क्योंकि एक्स की जगह अल्फा बीटा रखेंगे तो क्वाड्रेटिक के रूट्स हो जाएंगे टैन अल्फा बाई टू टैन बीटा बाई टू। तो ऊपर में जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है सम ऑफ द रूट्स, दिस इज सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2b बाई ए प्लस सी। और वैसे ही नीचे में ये जो टैन अल्फा बाई टू इंटू टैन बीटा बाई टू है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू हमें पता होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी ये है सी माइनस ए और ए तो हमें पता ही है ए प्लस सी है। तो हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ये नहीं करेंगे कि रूट्स निकालने के लिए बैठ जाए। तो ये हो जाएगा 2b और नीचे तुम्हारा जो बचेगा आफ्टर कैंसिलेशन वो 2a बचेगा। तो फाइनली योर आंसर विल बी d by a। इज इट ओके? यस सर। अब मैं तुम्हारा देखता हूँ तुमने क्या किया था। सही है, इसमें तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 5 out of 5। तो तुम देवांश इसको करने में कहीं से हेल्प भी ले रहे थे, कोई नोट्स वगैरह या फॉर्मूला देख रहे थे, या
आपकी होती है सर, अप्लाई? फॉर्मूलाज तो मैं देख रहा हूँ सर, फॉर्मूलाज की याद नहीं हुए मुझे, तो उनका तो हेल्प देखो लेना। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला तो याद कर ही लो, क्योंकि वो बस ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कई जगह यूज होता है। तो ये इस बात के लिए मत रखो, ये सब याद रखो, कर लो, तुम्हारे ओके लिए सर, अच्छा होगा। नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सेज कि तुम्हें निकालना है वैल्यू ऑफ कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 डी पाई बाय 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 7 पाई बाय 8। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो? आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू 5 मिनट्स, 5 मिनट में मैं वापस आता हूँ, तब तक तो इसको कर लो।
Okay, so let us discuss this one. I hope you have tried enough. So what happens? Cos to the power 4 pi by 8 is this. Cos to the power 4 pi by 8. So first of all, इसको और इसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे. इस वाले को हम लिख सकते हैं cos to the power 4. पाई बाई एट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि पाई माइनस थ्री पाई बाई एट, ठीक है, वो फाइव पाई बाई एट ही बनेगा. और इस वाले को लिख सकते हैं कॉस टू द पावर फोर, सेवन पाई बाई एट को पाई माइनस पाई बाई एट लिख देंगे, तो दैट विल बिकम सेवन पाई बाई, ठीक है. पहले दोनों को कुछ नहीं किया, उसके बाद इसमें अगेन हमें पता है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो हम ऐसा यहाँ पे लगाएंगे अगर, तो पावर फोर है विच इज इवन, तो जो माइनस है वो पावर फोर होके मतलब स्क्वायर फोर ये सब जो है तो वो प्लस हो जाएगा. तो फाइनली कॉस टू पावर फोर थ्री पाई बाई एट मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा कॉस टू पावर फोर पाई बाई एट. तो अब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो कॉस टू पावर फोर पाई बाई एट ये वाला है, और एक और यहां से मिल गया, तो टू टाइम्स हो गया cos to the power 4 pi by 8, और उसी तरीके से cos to the power 4 3 pi by 8, और यहां से भी मिल गया cos to the power 4 3 pi, तो 2 times ये भी हो गया, तो 2 common ले लेते हैं, and this is equal to 0. तो 4 term की जगह हमें कितना मिल गया, 2 term मिल गया, क्योंकि 2 equal values आ गई. फिर अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, तो 2 तो 0 को divide करके 0 ही देगा. बाकी ये जो दोनों है अब इनके साथ हम क्या करेंगे, cos to the power 4 pi by 8 को फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, cos to the power 4 3 pi by 8 के साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं cos of pi by 2 minus pi by 8. ध्यान से देखो, pi by 2 minus pi by 8 को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 3 pi by 8, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है ये. तो ऐसा तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये सोचने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई एट विल बिकम थ्री पाई बाई एट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. अच्छा, फर्दर कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर फोर पाई बाई एट, ये बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? ये हमारा क्वेश्चन बन गया ना, दिस इज नाउ द क्वेश्चन, ठीक है. इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि पावर फोर है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन यहाँ पे करेंगे. जब मैनिपुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई बाई एट प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई एट इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक तो ये टर्म मिलेगा कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 8, एक ये मिलेगा साइन टू द पावर 4 पाई बाय 8, और प्लस 2ab वाला भी मिलेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हें यहां पे माइनस 2ab करना होगा, दैट इज माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इनटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8. जब ऐसा करोगे तो फिर कंपनसेट हो गया और वही चीज वापस से हमें मिल जाएगी. ऐसा करने से फायदा ये हुआ, एज यू कैन सी जो ये वाली वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है 1 हमेशा, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया विच इज 1, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इनटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8. फर्दर यहां पर तुम एक काम और कर सकते हो कि तुम इसमें 2 कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला जो साइन 2 ए होता है वो लगा दो, लेकिन यहाँ पर 2 है 4 लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और टू से कर दो तो 4 बन जाएगा, और होल स्क्वायर कर दोगे तो फाइनली ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 8 का जो डबल होता है पाई बाई 4 होता है. इज दिस क्लियर टिल हियर? मैं फास्ट तो नहीं समझा रहा ना, समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ओके, तो ये आ गया. अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जब कैलकुलेट करेंगे एक तरफ ले जाके तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इज 1 माइनस, हाँ ये हो जाएगा साइन
स्क्वायर फाइव बाई फोर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू हो जाएगा, नहीं टू कैसे होगा, टू तो हो नहीं रह सकता, ये कुछ गड़बड़ हो गया था यहाँ तक तो ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो टू ए बी माइनस टू ए बी हो गया, ये फोर कर देंगे ये टू कर देंगे और ये टू थ्री टॉप हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी तो वैल्यू निकालनी थी, मैं कहाँ चला गया, सॉरी सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी ना, ये जो था इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इक्वल टू जीरो थोड़ी करना है इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इक्वल टू जीरो नहीं करना है, टू इंटू दिस इसकी वैल्यू निकालनी है, इट इज नॉट अ इक्वेशन, ठीक है, मुझे लगा पता नहीं इक्वेशन बनी कैसे बना दिया मैंने, टू इंटू दिस इसकी वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स टू इंटू दिस इसकी वैल्यू निकालनी है, विच मीन्स इक्वल टू देना चाहिए था, मैंने इम्प्लाइज दैट दे दिया, ये हो जाएगा वन माइनस वन टू साइन स्क्वायर, और टू भी एक कॉमन लिए हुए थे, साइन स्क्वायर पाई बाई फोर वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू, ये फाइनली हो जाएगा टू इंटू वन माइनस वन बाई फोर, ये हो गया थ्री बाई टू, विच विल बी योर आंसर, ठीक है, जीरो से इक्वेट नहीं करना है, इक्वेशन थोड़ी है, इज इट क्लियर, तो तुमने जो लास्ट वाला किया तुमने भी बिल्कुल वैसे ही किया है, ठीक है, तो तुम्हारा तो भी फुल मार्क्स मिल जाएगा, वो लेट अस कैलकुलेट योर टोटल मार्क्स नाउ, तो फाइव और एक और में फाइव, एक में साढ़े तीन, एक में साढ़े तीन और एक में चार, यही था ना, यस ठीक है, टोटल मार्क्स तो तुम्हारे आते हैं, मैं सेंड भी कर दूंगा, 25 में 10, 14 और 7, ठीक है, यस आशीष और आरुषि तुम लोगों ने फॉलो किया, लास्ट में जाने से पहले एक बार तुम ये बता दो कि तुम क्लास में थे, तुम्हें कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ओके आशीष ने तो रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है आ गया समझ में, आरुषि तुम भी अब बोल दो या चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, कौन सा चैप्टर करना है रिवाइज बता दो, सर वो नेक्स्ट क्लास नहीं बता देंगे सर, मतलब अभी देख लेंगे, वो हमारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके थैंक यू सर।